हेलो बच्चों, मेरा नाम है पृथ्वी। आप में से कुछ लोग मुझे मदर नेचर के नाम से भी जानते हैं। आज मैं आपसे मिलने आई हूँ। आजकल मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं रहती है। हमेशा से नहीं थी ऐसी मेरी तबीयत, लेकिन पता नहीं क्या होता जा रहा है। दिन पर दिन मेरी और मुझ पर रहने वाले लोगों की हालत खराब होती जा रही है। एक समय था जब मुझ पर साफ पानी होता था, साफ हवा थी, साफ मिट्टी होती थी, लेकिन पता नहीं आजकल सब अजीब हो गया है। मैं हर साल 4.6 मिलियन लोगों को खोती जा रही हूं अपनी इस हालत की वजह से, और ये हालत सुधरने वाली भी नहीं है। आपको लग रहा होगा मैं तो ऐसे ही बोल रही हूं, शायद विश्वास भी ना हो। तो चलिए मैं आपको 2030 में ले चलती हूँ। देखते हैं कि मेरी हालत और कितनी खराब होने वाली है। विशु, टैब लिया? लंच बॉक्स, वाटर बॉटल? ओके, हाँ मॉम, ऑटो किट लिया? खत्म हो गया। खत्म हो गया? अभी एक वीक पहले तो लिया था। प्रतीक, तुमने लिया क्या? यस मॉम। कैसे खत्म हुआ? मॉम, कल मैं वो फुटबॉल खेलने गया था तो वहां यूज हो गया। क्या तुम पागल हो क्या? यहाँ पर मैं इतने पैसे बचा रही हूँ, तुम्हारे डैड इतनी मेहनत कर रहे हैं ताकि तुम लोग बाहर निकल सको, तुम लोग स्कूल जा सको। तुमने पूछा क्यों नहीं मुझे? जस्ट लीव इट, कोई फायदा नहीं चिल्लाने का। एक नया ऑर्डर कर लो। कृषु इज गेटिंग लेट फॉर स्कूल। हाउ इररिस्पॉन्सिबल प्रतीक। इस साल 2016 नहीं, 2030 है। इंडिया फुटबॉल वर्ल्ड कप में खेल रहा है। मोबाइल इंटरनेट 4G से 10G हो गया है, पर बाहर इतनी पॉल्यूशन है कि हम लोग ऑक्सीजन किट के बिना बाहर नहीं निकल सकते। प्रतीक देखो तो जरा, शायद मेरा ऑक्सीजन किट आ गया है। अगर आपने तभी ही पॉल्यूशन रोका होता तो आज मैं जब चाहूँ घर से बाहर निकल सकती थी, और मेरे डैड 50 इयर्स के नहीं लगते। ट्रस्ट मी, ही इज 38। ये मेरी लाइफ है और आपके होने वाली। क्या हुआ, डर गए आप? डरना जरूरी भी है क्योंकि यह दिन ज्यादा दूर नहीं है। आप सोच रहे होंगे मैं आपको खामखा डरा रही हूं, लेकिन सच मानिए, मैं आपसे सच कह रही हूं, मेरी हालत सच में बहुत खराब है। मुझसे तो आजकल सांस भी नहीं लिया जाता है, और धीरे धीरे मेरे ऊपर पाए जाने वाले सारे संसाधन इस्तेमाल होते जा रहे हैं। मुझे बहुत दुख हुआ जब अमेज़न के जंगल में भी आग लग गई, जो मेरे फेफड़े थे। वह जंगल मेरे छोड़े गए कार्बन डाइऑक्साइड को लेते थे और मुझे ऑक्सीजन देते थे, वह भी जल गया। तो आप सोच ही सकते हैं कि स्थिति सच में गंभीर है। अब आप सोच रहे होंगे मैं भी आपको क्या अपना रोना लेके सुना रही हूं, पर इसमें आप क्या कर सकते हैं? तो घबराइए मत, इस पूरे चक्र को हम उल्टा कर सकते हैं। आप मुझे स्वस्थ कर सकते हैं और मुझे बचा सकते हैं कि मेरी हालत और खराब ना हो। चलिए मैं आपसे चैप्टर के बाद में बात करूंगी।